केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली की डिनर डिप्लोमेसी से अटकलें काफी तेज हो गई हैं। अमित शाह ने गांगुली के घर पर डिनर किया तो सीएम ममता बनर्जी ने लगे हाथ उन्हें मिष्टी दोई खिलाने की सलाह दे डाली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने पश्चिम बंगाल दौरे में जब बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली से मिलने उनके घर पहुंचे तो अटकलें तेज हो गईं। सौरव गांगुली ने भी अमित शाह की अगवानी में कोई कसर नहीं छोड़ी और शानदार डिनर का इंतजाम किया। पहले अमित शाह और गांगुली ने खूब बातें की और उसके बाद बारी आई डिनर की। डाइनिंग टेबल पर एक से बढ़कर एक स्वादिष्ट भोजन परोसे गए। चूंकि गृह मंत्री अमित शाह शाकाहारी हैं, इसीलिए गांगुली ने उनके लिए खास डिश तैयार करवाई थी। टेबल सजी और गपशप के बीच खाने का दौर चला। इस दौरान सौरव गांगुली की पत्नी डोना गांगुली भोजन सर्व करती रही। हालांकि डिनर के बाद राजनीतिक सुगबुगाहट तेज हो गई है। कहा जा रहा है कि गांगुली जल्द ही बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। शाह की इस डिनर डिप्लोमेसी पर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने चुटकी ली है। उन्होंने गांगुली को सलाह दी है कि शाह को बंगाल की मशहूर डिश मिष्टी दोही जरूर खिलाएं। गौरतलब है कि अमित शाह ने पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए थे और सीएए लागू करने की बात की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.